तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो फॉर्मर एमपी मल्लू रवि और फॉर्मर एमएलए मल्लारेड्डी रंगारेड्डी ने शहर हैदराबाद में वाक़ नामपल्ली में मौजूद गांधी भवन में मुनक़दा प्रेस मीट में शिरकत की और इजलास से खिताब किया। देखिए टीपीसीसी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर एमपी मल्लू रवि और फॉर्मर एमएलए मल्लारेड्डी रंगारेड्डी का क्या कहना है। To show that we are that they are not taking any drugs. ऐसा करने के लिए वही चैलेंज में वो के टी आर को विश्वेश्वर रेड्डी को चैलेंज कर रहे वो दोनों में विश्वेश्वर रेड्डी आया और आई एम रेडी हूँ मैं टेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन के टी आर ये टेस्ट करने के लिए आते नहीं बोलते वो नहीं बोल के मैं राहुल गांधी आया था एम्स में करा था इधर हैदराबाद में बहुत हॉस्पिटल्स है इधर भी करा सकते और रेवंत रेड्डी टीपीसीसी प्रेसिडेंट है आप टीआरएस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट है वो क्या छोटा आदमी है तो नहीं आते बोल के बोलो ये तेलंगाना का मामला है इश्यू है तेलंगाना में आके टेस्ट कराना और बिना आके कोर्ट में डिफॉर्मेशन केस डालते बोल के क्या डिफॉर्मेशन है इसमें कोर्ट में हाईकोर्ट में एक बिल डाला रेवंत रेड्डी वो बिल में है वो सेंट्रल एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दे वो बोल के वो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट नॉट कोऑपरेटिंग बोल के वो एफिडेविट दिया वो एफिडेविट में है कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया बोल के बोलने के बाद रेवंत रेड्डी क्यों नहीं दिया तेरा बोल के पूछ रहा वो भी रंग है आप टच को आओ बोला वो भी रंग है क्या डिफरेंस है उसमें आप तेलंगाना को ड्रग फ्री तेलंगाना करने में क्या दिक्कत है आपका आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं सपोर्ट कर वो बोलो